स्वागत है, मैं भावना। दिल्ली चे धरने ते बैठे किसानां नूं अज पूरे 14 दिन हो चुके ने ते किसान अपने मोर्चिआं ते डटे होए ने ते इस गल ते वी अड़े होए ने कि उन्हां चक्कर घर वापस नहीं जाणगे जिन्हां चक्कर ये खेती कानून रद्द नहीं किते जांदे। तो दूजे पासे देश दे गृह मंत्री अमित शाह वल्लों कल एक मीटिंग की गई थी जिहड़ी कि एक बार फिर बेनतीजा निकली ते अज भी सरकार दे वल्लों किसानां नूं इन्हां खेती कानूनां दे विच पूरा बदलाव करके एक ड्राफ्ट भेजा गया सी जिसनूं कि किसानां दे वल्लों नकार दिता गया ते मंग कीती गई कि इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द कीता जाए। किसानों अज धरने ते बैठे लगातार 14 दिन हो चुके ने ते दिल्ली दे बार्डरां ते किसान बिना थके टुटे पूरे जोश दे नाल डटे हुए ने। सरकार वालों किसानों नाल कल राती एक मीटिंग बुलाई गई सी जिस दे विच पहला ता दो किसान जथेबंदियां वालों नाराजगी दिखाई गई, बाद विच मोदी सरकार वालों नाराज जथेबंदियां नूं मना लिया गया पर बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलिया। अज सरकार वालों एक होर मीटिंग बुलाई गई है ते किसानों नूं एक वारी फिर मीटिंग का सद्दा दिता गया सी। सरकार ते किसान दे विचाले बैठक नूं लैके सूत्रां तों इस वक्त दी वड्डी खबर सामने आई है। सरकार ने किसानों ने एक बारी फिर सद्दा पत्र भेजा बैठक वास्ते। इस बार कल सवेरे 11 बजे विज्ञान भवन दे विच सद्दा पत्र भेजा गया। दरअसल मीटिंग अज होनी सीगी पर अज इस करके कैंसल हो गई क्योंकि सरकार ने कल किया कि असीं एक प्रस्ताव भेजांगे कि क्या क्या होना चाहिए बिल च, क्या क्या चेंज कर रहे हैं। उस तो बाद किसानों ने कहा कि असीं वो पढ़ांगे, उस तो बाद देखना कि तुहाडे नाल बैठक करांगे कि नहीं। हुण जिहड़ा सद्दा पत्र गया है ये सरकार वल्लों गया है, किसानों ने हले एक्सैप्ट करना नहीं करना वह शाम तक फैसला होएगा कि उन्होंने अगली बैठक च आना नहीं आना। क्योंकि किसानों ने एक गल साफ कर दी है कि बार बार दे सानू तुसीं उही गल्लां रिपीट करोगे तो बैठक च आने का फायदा नहीं। सानू दसो कानून वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। पर सरकार जी कह रही हो सरकार का कहना है कि जिहड़ियां चीज़ां तुहानू खराब लग रही कानून च असं वो ठीक कर दें, कानून वापस नहीं होगा। तो इसी गल्ल ते रेड़का फसिया होया। रात भी बैठक अमित शाह नाल हुई, कुछ निकल के नहीं आया। अज जिहड़ा ड्राफ्ट किसानों को भेजा गया उस तो बाद देखना होगा किसान कल की मीटिंग आते हैं कि नहीं आते हैं। ये 6वें राउंड की मीटिंग होएगी अगर हुई तो, जे कल जिस तरह सद्दा पत्र भेजा गया। इस तो पहले 5 मीटिंग हो चुकिया ने, एक कृषि भवन के बाकी सारिया विज्ञान भवन के, पर निकल के कुछ नहीं आया। हर बार सरकार अमेंडमेंट नूं कहिंदी है, किसान इन्हूं रिपील करन नूं कहिंदे ने, गल उत्थे ही अड़ के रह जाती है। पर अज जिस तरह जिहड़ियां कुछ अमेंडमेंट्स भेजियां गईयां ने सरकार दे वल्लों, जिहड़ी सूत्रां मुताबिक काफ़ी गल्लां जिहड़ियां मन रही है सरकार, देखना हैगा किसानां दा स्टैंड पूरे मामले ते किस तरह रहिंदा है। इसी ड्राफ्ट दे रिएक्शन तो बाद किसान डिसाइड करनगे कि कल बैठक दे विच जाना है विज्ञान भवन दे विच या नहीं जाना है। सरकार वल्लों उन्होंने सद्दा पत्र भेज दिता गया। भाजपा सरकार वालों खेती बिलों से बदलाव कर इसका पूरा ड्राफ्ट बना किसान जथेबंदियों को भेजा गया। इस मौके भाजपा के सीनियर नेता हरजीत सिंह गरेवाल से सुरजीत जियाणी ने कहा कि सरकार वालों किसानों दी सारिया मंगा मान लिया गई ने तो हुण किसानों भी अपनी अड़ी छड अंदोलन खत्म कर देना चाहिए है। गल तो बननी चाहिए जो उन्होंने कहा वो इंप्लीमेंट हो गया। जिहड़ा कानून रद्द करन दी गल आ ना, जिहदे च चीज़ समझ लो कि जिहड़ा उन्होंने फायदा होना वो हुण चलो जिहड़ियां फायदा तो इन्हों का भी सीगा, उन्होंने किसानों को खदशे से उन्होंने कहा वो सरकार ने मान ले, तो हुण जिहड़ा फायदा होना फिर वो फायदा नहीं होएगा जे रद्द कर देंगे और कानून रद्द होंदे नहीं होंदे इस तों। तो हुण इहदे ते जिद करना मैं समझदा बुरी गल आ। उन्होंने जो कहा सी पांच चीज़ां कही सी वो सारियां सरकार ने मान ली और फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी गल कैबिनेट ने अभी करती और इस तो ज़्यादा की कर सकते हैं। तो मैं समझना कि उन्होंने ठीक तरह ना फैसला लेना चाहिए। जो कहते हैं कि असी सानू डर सानू घबराहट आ, उसकी की जरूरत है। जो लीडर होंगे जो तो सच्चाई नाल काम कर रहे हैं, जो किसानों लिए मंगया सी वो मिल गया, फिर घबराहट कह दी है। तो पंजाब के हित से फैसला, देश के हित से फैसला, तो उन्होंने लेना चाहिए है। जो अंदोलन चला रखा इसको बंद करना चाहिए। देखो गल ये है कि यह तो अपन पहले अनुमान से, सारे जथेबंदियों ने भी अनुमान से, सेंटर की सरकार ने भी अनुमान से। एक एड्डा वड्डा मसला अज बैठक का दौर तो चलना ही सीगा, पहले मनिया जा सकता भी 5-6-7 बैठक साडिया ए हो सकती हैं। तो वो रेगूलर और मीटिंग जी अच्छे माहौल और कंटिन्यू और सही दिशा वल जा रही है। जो चीज़ सही और दिशा वल जा रही है
तो उसका हल निकलना बड़ा जरूरी भी है और उम्मीद भी है और निकलेगा भी। जिवें कल रात मीटिंग हुई है उस अमित शाह जी नाल हुई है, उस जथेबंदियों कहा गया से भी छोटा ग्रुप के गल जी बड़ी विस्तार नाल एक अच्छी ठीक ढंग नाल जी गल होंगी है अच्छा एक रिजल्ट आता है। घर आज जो छोटा ग्रुप उन्होंने बैठा सगा तो वो जी गल निकल के आई हैं, असी कोई मीटिंग दे नहीं है, असी तुहाडे माध्यम नाल जिहड़े तुसी जथेबंदियां दे जिहड़े है कई जिहड़े आगू जिहड़े गल कर रहे सी ते टीवी च मैं देखिया है कि उह संतुष्ट नज़र आ रहे सी, उह कह रहे सी वी असी सरकार तों सारियां गल्लां साडियां मना लईआं और सरकार ने साडी गल मन ली। जदों सरकार ने तुहाडी गल मन ली ते जद गल मन ली उहदे बाद की झगड़ा रह जांदा है, फिर तां कल फैसला जरूर पक्का 100% आएगा। किसानी अंदोलन अज पूरे 14 दिन हो चुके ने ते किसान अज भी अपने फैसले ते डटे हुए ने कि खेती बिल रद्द करवा के ही घर वापस जाणगे। किसानां दे मोर्चा दिन ब दिन वधदा जा रहा है ते देश विदेश दे लोकां वालों भी पूरा सहयोग दिता जा रहा है। दस दईए कि देश दे गृह मंत्री अमित शाह वालों किसानां नाल इक बैठक की गई थी जिहड़ी कि बेसिट्टा निकली। अज 14 दिन होने के बावजूद भी किसानां दे अंदोलन च कोई कमी नहीं विखाई दिती। सिंघू बॉर्डर दीआं तस्वीरां च साफ विखाई दे रहा है कि वड्डे पद्धर ते किसान दिल्ली पहुंचे हुए ने। अमित शाह दी किसानां नाल कल दी होई मीटिंग बेसिट्टा निकलन तो बाद विरोधी पार्टियां वालों भाजपा सरकार ते तंज कसे गए, जिथे आम आदमी पार्टी दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा सरकार नूं हुण अपना अड़ियल वतीरा छड्ड देना चाहीदा है ते किसानां दी गल मन लैणी चाहीदी है। ते दूजे पासे कांग्रेस दे नेता सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि हुण बीजेपी नूं ईगो छड्ड किसानां दी गल सुननी चाहीदी है तां कि किसान अपने घर वापस आ सकण। किसान हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे ने ते देश विदेश दे लोकां वालों देखो मैं कल अपने डेढ़ बाबा नानक एरिए और मेरे ख्याल कि मैं 35 to 40 पिंड कल उ देखा और इन्ना सक्सेसफुल मैं अपनी लाइफ से इन्ना जरा बंद सी मैं अपनी लाइफ से नहीं अज तक देखा और ईवन जेडे कोई कैमिस्ट भी सी उन्होंने भी अपनी दुकाना पूरा दिन बंद रखी है कि साढ़े जेडे किसान भरा ने दिल्ली च बैठे ने उन्होंने सपोर्ट से उन्होंने नाल हमदर्दी प्रगट कर ली और हर पिंड दे विच लोग जिहड़े ने आप गलियां दे विच नारे ला रहे सी कि मोदी सरकार काले कानून वापस लो। जिहड़े जिस वेले इहो जिही मूवमेंट चलती आ कि जिस वेले अंग्रेज़ां कोलों देश आज़ाद कराया तो उस वेले पिंडां च नारे लगदे हुंदे सी कि अंग्रेजो वापस जाओ, अंग्रेजो काले कानून वापस करो। ये मोदी साहब नूं लोकां दी नवाई दे उत्ते हत्थ रख के जिहड़े ओह मन की बात जिहड़े कहिंदे मन की बात नूं करदे ने हुण उहनां नूं अपने मन की गल छड्ड के लोकां दे मन की गल सुननी चाहीदी आ और उहदे उत्ते एक्शन करना चाहीदा, इह लोकां दी डिमांड। अज पूरे देश दे किसान हर जगह ते प्रोटेस्ट कर रहे ने, लंबे अरसे तों पंजाब च प्रोटेस्ट होया, लंबे अरसे तों पंजाब दे किसानां ने देश दे किसानां ने वख-वख थावां ते प्रोटेस्ट कीता, वख-वख थावां ते मुजाहरे कीते, धरने दित्ते और लगातार काफ़ी दिनों तों पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के किसान जिहड़े ने वो दिल्ली च डटे हुए ने, पूरी दिल्ली घेरी हुई आ, दिल्ली की नाकाबंदी की हुई आ, बड़िया लंबिया मीटिंगा हो रही ने गियां केंद्र सरकार के नाल, बीजेपी की केंद्र की सरकार के नाल जो है किसान आगुआ दी बहुत मीटिंगा हो रही ने गियां, पर लेकिन अफसोस एक गल किसी सिरे ते नहीं जा रही, कोई सिरे ते नहीं पहुँच रही। लगातार जी केंद्र सरकार कोई ना कोई बहाना ला के अगे डेटा लै रही आ, जबकि किसान आगुआ की दो टुक मंग आ, बड़ी स्पष्ट मंग आ कि काले कानून जो तीन काले कानून पहला ऑर्डिनेंस आए फिर कानून बने, ये तुरंत रद्द होने चाहिए ने कि ये मैं समझना कोई कानूनी अड़चन की होनी है, ये की डिस्कशन की लड़ा, बड़ा स्पष्ट किसान आगू की मंग क्यों नहीं मनी जा रही। सो अज जी मीटिंग हो रही है सानू पूर्ण आस आ कि बीजेपी के जो आगू साहबान ने बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप आ वो जो अपना अड़िया रवैया छड़ूगी, अपनी हैंकड़ छड़ूगी, किसान आगू की मंग मनूगी, क्योंकि लंबे अरसे तो किसान जोड़े ने दिल्ली च बैठे ने गे, बजुर्ग मावं भैं बच्चे साड़िया माइया लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे साढ़े जो भरा ने गए उन्होंने काफ़ी सारे अपनी जान भी गवा चुके हैं और लगातार जी दुखदायी घटना हो रही ने जो कि मन में बहुत ज्यादा बेचैन कर दी ने। सो इस समय मैं समझता बीजेपी सरकार को चाहिए कि अपना अड़िया रवैया, अपना हैंकड़शाही रवैया, अपनी जी सांझ आ जी अडानिया की अंबानी का सांझ आ तोड़ के उन्होंने छड़ के जोड़ा है किसान हितों अगे रख के मामला हल करना चाहिए। Thank you.
उधर जंतर मंतर ते धरने ते बैठे रवनीत बिट्टू किसान लीडरां ते गुस्सा जाहर करते नजर आए। केंद्र सरकार वालों किसानां दीआं मुख मंगां मन के प्रपोजल किसानां नूं भेज दिता गया, जिस उपर बिट्टू ने बोलदे हुए कहा कि किसान लीडरां नूं अपना एक स्टैंड रखना चाहीदा है। एजिटेशन वड्डा होण तों बाद हुण ढिल्लियां गल्लां करनियां नामंजूर है। अलग अलग मीटिंगां विच जाण दा भी विरोध किया। लीडरशिप का की मतलब हुंदा? लीडरशिप ने लीड करना हुंदा ते अपने जिहड़े सारे लोग ने जिन्हां दी, क्योंकि जे इस वेले लखां लोग बैठे आ ते जिम्मेवारी भी किहदी आ? लीडरशिप दी जिम्मेवारी आ ना। पर आपां उहनां नूं इस लैवल ते लै जाइए, पहलां इन्नी पिच हाई कर दीए, बिना समझे तो मरन मराउण ते आ जाइए, फिर उदों बाद थोड़ियां जिहियां आपां ढिल्लियां गल्लां करन लग जाइए, पर लोगों ने नहीं पिछे हटना हुंदा। लोग तां जज्बाती ने, लोग नहीं समझते थोड़ी पॉलिटिक्स भी। तुसीं हुण हुण मैनूं इक गल दसो, जो पता लग रहा यही अंदर भाई बाहर कर दिया भी स्टेज पर आ जी स्टेजा लगियां, सानू तो खैर उत्थे जाने भी स्टेज पर अलाउड नहीं गा, वो कोई गल भी नहीं। असी तो आ बैठ गए आके तो अं भी भाई ना थोनू असी तंग करिए, असी तो अपना आ बचाले आके बह गए, थोड़े ते भी निगाह रखांगे, इन्हां ते भी निगाह रखांगे। हुण गल इह आ भी स्टेज पर जो तुसीं भाषण दिंदे हो उत्थे कहने असी कोई भी चीज़ रद्द करे तो बगैर मंगनी नहीं, फिर गल की करन जाने हो रोज़ जी? रोज़ तुसीं की गल कर जाने हो? कल अमित शाह जी नाल चल रात गए आ, अद्धियां नूं छड्ड गए उगराहां। सब तो वड्डी जे गल करिए, तां कोई प्रमाणित गल आ ना, ये तो कोई लुकी हुई गल नहीं कि भी वह एक ऑर्गनाइजेशन जिहड़ी सब तो वड्डी आ इत्थे, तो चलो बहुत लोग बैठे अलग अलग ते अपने दम ते लोग भी आए हुए आ, अपने अपने सारे नौजवान यूथ। चलो हुण जदों बाकी तां तुसीं गल्लां च एक दूजे नूं पुछ के जांदे सी, कल क्यों नहीं पुछ के गए भाई साहब तुसीं कित्थे हो, साडा एक भरा कित्थे आ, तीवां इकतीवां भरा कित्थे आ, क्यों चले गए उत्थे, ते अंदर की गल्लां होईयां? मैनूं तां पता है की गल्लां होईयां, हजे भी बाहर आके झूठ बोल रहे आ। मैं कोई इन्हां ते शक नहीं करना चाहुंदा, साडे ही बजुर्ग ने, साडे ही सत्कारयोग ने, पर जदों कल तो बाद अज भी उत्थे शटर सिट गए, मीडिया वाले पीले पीले शटर ने बड़े, उत्थे बंदे रोक रहे आ, जान नहीं दे रहे किसी नूं, कोई कैमरा इधरों कढ रहे, कोई टाकी चों कढ रहे आ, लोके गल किहड़ी करे, अंदर तुसीं किहड़ियां लोके गल्लां करदे हो इकट्ठे बह के? उही स्टेज आ जिहड़ी हुण किहड़ा बॉर्डर आ, इह सिंधू बॉर्डर आ, उत्ते जिहड़ी स्टेज लगी आ, आपां तां रद्द करन दी गल कहनी, उत्थे लोकां नूं दिखाओ, प्रोजैक्टर ला लो वड्डे, उत्थे तुसीं दिखाओ भी भाई आ चिट्ठी आ, अपना तो फैसला है, आपां इह जो कोई मननी नहीं गी, तो फिर उत्थे सलाहां कादियां करनियां अंदर बह के लोकां तों, जिहड़े लखां लोग बैठा उह तों चोरी उत्थे अंदर गल की कर रहे हो? कोई कह रहा मन जो, कोई कहिंदा भी हुण वाह देता आपां नूं सारा कुछ की करिए, रिपोर्टां ही आउंदियां ना अंदरों, तुहाडे कोल भी आ रहियां इह, फिर तुसीं शटरां दे पिछे अंदर बह के गल करदे हो, फिर जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे हो सारे मीडिया दे मूहरे करदे हो, हुण तुहाडे उत्थे माइक भी लगे आ, उत्थे मंच भी लगी आ, स्टेज भी लग्गिया, सारा कुछ बोलण नूं, भाषण बड़े बड़े करन नूं, ते हुण मीटिंग क्यों नहीं? उस मंच ते एक माइक फड़ो हत्थ च, जिन्ने भी 30 कत्ते जथेबंदियां दे बंदे आ, वह कल्ली कल्ली गल अपनी रह लोकां मूहरे रखो, जां जिथे मीटिंग करदे हुंने उत्थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जां उत्थे सीधा अपने बाहर जिहड़ियां वड्डियां ओह पिक्चरां लाया करो, जिथों लाइव चलदा दिखे लोकां नूं। किसानी संघर्ष नूं अज पूरे 14 दिन हो चुके ने ते सरकार दे वल्लों कई बैठकां तां कीतियां गईआं ने, पर किसानां अते सरकार दे विचकार कोई गल बणदी नज़र नहीं आ रही, ते किसानी संघर्ष होर किन्नी देर तक चलदा है, ये देखण लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा दे नाल।